प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सोमवार को रेती व्यापारियों द्वारा योगी आदित्यनाथ के जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रेती रोड स्थित आनंद कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। इस दौरान व्यापारियों द्वारा 46 किलो का लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया, जिसके बाद व्यापारियों और हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो पर तिलक कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसका राहगीरों ने भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल, भाजपा नेता पुष्पदंत जैन, दुर्गेश बजाज, वरुण सहित कई व्यापारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री सम्मानित पी के मल जी, सम्मानित व्यापारीगण, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक नवीन चौरसिया जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम शुरू हो गया। संपूर्ण हिंदू समाज भंडारा शुरू हो गया है। अभी अभी ना बस पहले कर दीजिए, यही करेंगे सब। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो देर रात को जाएगा। योगी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। योगी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। योगी जी संघर्ष कर रहे हैं। योगी यशस्वी पराक्रमी और कुशासी जीवन के कामना के साथ सभी सुधीजनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी लोगों से आग्रह है कि जो जो लोग की मनसा वाचा कर्म प्रसाद लेने की सब आम जनता, धर्म प्रेमी बंधुओं, बंधु बांधुओं, सभी लोगों के सम्मान में यह कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कल 5 जून को हमारे हिंदवानी के मुख्य सचिव प्रफुल्ल महाराज जी का जन्मदिन है। वैसे तो साधु संतों का नाथ समुदाय में जन्मदिन नहीं मनाया जाता, हम लोगों ने अभी तक तो जन्मदिन ऐसा कुछ मनाया नहीं, लेकिन मुख्य संरक्षक के अलावा वो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और एक सामाजिक एक व्यक्ति के नाते
देश की जनता की ये इच्छा है और महापुरुषों की जयंती हम लोग बड़े लोगों की जयंती लोग मनाते भी हैं, ऋषि की परंपरा रही है, इसलिए पब्लिक जयंती मना रही है। और चूँकि आज गोरखपुर में कुछ जगहों पर जन्मदिन की संध्या में लोगों ने कार्यक्रम रखा, मुझे इन्वाइट किया, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि रेती रोड पे व्यापारीगण इकट्ठे होंगे और 46 किलो का लड्डू बांट के और भंडारे का आयोजन करके एक जन्मदिन का पूर्व संध्या पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है, उस दिन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रण किया है कि हर कार्यकर्ता 2-2 पौधा लगा के अपने मुख्य संरक्षण को जन्मदिन का पर्यावरण सुरक्षा के दिन स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण का एक भाग देंगे, ऐसा कल सुबह से शुरू करेंगे।